अगर आपको अनअकैडमी की वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आप बेल आइकन दबा सकते हैं जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सभी तरह की अपडेट्स PDFs मिलती रहेंगी UPSC एग्जाम से रिलेटेड। तो अनअकैडमी आर्टिकुलेट का टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा, UNARTIC आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंड आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, स्टडी टाइम YT आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करने वाले हैं हीट वेव्स की। तो IMD ने रिसेंटली नॉर्दर्न इंडिया के लिए रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि हीट वेव्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और इससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे और किस तरह से हम इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को किसी दिक्कत में आने से, वो भी देखेंगे। सो हीट वेव्स ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, इसलिए आपके GS1 के अंदर आता है और IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको इशू किया है। इन्होंने कहा है कि हीट वेव जो है वो सीवियर हीट वेव्स कंडीशंस भी बन सकती हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर और एडजॉइनिंग पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर हैवी रेनफॉल्स देखने को मिलेंगी। जो कोस्टल एरियाज हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के, वहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर जो है कुछ एरियाज के अंदर 42 डिग्रीज तक पहुंच चुके हैं, जिससे कि सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है वो देखी जा रही हैं। जो इसका मुख्य कारण है वो बेसिकली होता है ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के अंदर आती हैं, और इसका प्राइमरी जो टारगेट होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ही होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसको 1875 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था और ये एक एजेंसी है आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की। तो आपको याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो सभी तरह के वेदर से रिलेटेड फोरकास्ट करती है, ऑब्जर्वेशंस देती है, और अगर कोई अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटी होती है, सिस्मोलॉजी से रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तो उसके बारे में भी बताती है। हीट वेव होता क्या है? तो हीट वेव बेसिकली एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ जाता है, और स्पेसिफिकली ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में आता है समर सीजन के अंदर। मार्च से जून के बीच में इसके जो मेन अकरेंस होती है, क्योंकि जुलाई के बाद मानसून आ जाता है, जुलाई में मानसून आ जाता है, तो बारिशों के अंदर इसके बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो अगेन मार्च से जून के बीच में अगर आप देख रहे हो तो वही मई का एंड और जून का जो फर्स्ट वीक या 15 जून तक आप कह सकते हो इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जाता है। इससे जो पीक टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दिन के अंदर काफी देर तक रहते हैं, जिससे कि अगेन बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। और प्राइमरी जो प्रॉब्लम होती है लोगों में वो होती है डिहाइड्रेशन की। इसका एक कारण जो है क्लाइमेट चेंज भी माना जा रहा है, जिससे कि जो फ्रिक्वेंसी है कब होगा हीट वेव कितना होगा वो बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है और इंक्रीज भी होता जा रहा है। तो क्राइटेरियाज की बात करें अगर, तो अगर आप प्लेन एरिया के अंदर रहते हो, प्लेन्स में रहते हो, तो 40 डिग्री आपका मैक्सिमम टेम्परेचर माना जाता है और हिली एरियाज के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है। तो बेसिकली अगर आपके प्लेन एरिया के अंदर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हीट वेव की स्टार्टिंग हो गई है। अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर आपका वैसे ही 40 डिग्री तक रहता है, यानी कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे वैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री तक रहते हैं, तो 5 से 6% जब इंक्रीज हो जाता है, मतलब 5 से 6 सेल्सियस जब इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आपका टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस चला जाता है, तो हीट वेव माना जाता है। और अगर 47 डिग्री प्लस चला जाएगा, यानी कि 7% 7 सेल्सियस या उससे ज्यादा इंक्रीज होगा, तो उसको सिवियर हीट वेव कंडीशन कहा जाता है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार 45 डिग्री बना रह रहा है, तो फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ वहाँ पे क्या नॉर्मल टेम्परेचर होता है, हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। तो प्राइमरी क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि 40 डिग्री अबव जो है हीट वेव स्टार्ट हो जाती है, 45 डिग्री पे हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है, और 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वो सिवियर हीट वेव कंडीशन में आ जाता है। इम्पैक्ट की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, मेन जो चीज होती है वो पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जिससे कि शरीर की फंक्शनिंग में दिक्कत आने लग जाती है और बहुत सारे लोगों की इससे मौत भी हो जाती है। तो मेन चीज डिहाइड्रेशन, सेकेंड आ जाता है हीट क्रैम्प्स, फिर आ जाता है हीट एग्जॉशन, एंड उसके बाद हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक से भी अगेन कई लोगों की मौत हो सकती है। तो हीट क्रैम्प्स हो जाती है, थकावट हो जाती है, आपको वीकनेस लगती है, धुंधलापन लगता है, डिजीनेस लगती है, ऐसा लगता है चक्कर आ जाएगा, नॉजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की चीजें भी आपको देखने को मिलती है। एक्सेसिव स्वीटिंग तो होगी ही होगी। इससे आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है, शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि अगेन डेथ हो सकती है, जो मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ देख सकते हो इन्फोग्राफिक में हीट क्रैम्प क्या होता है। तो मसल स्प्रेन हो जाते हैं आपको और स्प्रेन्स पड़ जाते हैं लेग्स में, एब्डोमेन के पास आपको दर्द होता है, तो वो हीट वेव्स की निशानी है। एंड इसके अलावा आपके बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिससे अगेन आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो इस टाइम पे आपको किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पीना चाहिए।
और ऐसे में आपको ORS का घोल होता है, या आपका लेमन वाटर हो गया, नींबू पानी हो गया, छाछ हो गई, और आपका कच्ची लस्सी हो गई, जो कि स्पेशली पंजाब वाले एरिया में पी जाती है, जिसमें पानी, दूध और थोड़ा सा शरबत, जो आपने देखा भी होगा, जो छबीले लगती हैं वहां पर पिलाई जाती है, अगेन वो सभी चीजें आपको हीट क्रैम्प से और हीट एग्जॉशन से बचा सकती हैं। हीट एग्जॉशन की बात कर लेते हैं, इट कैन लीड टू हीट स्ट्रोक, अगेन आपसे हीट स्ट्रोक हो सकता है, और अनट्रीटेड रहे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्वीटी हो जाती है, आपको चक्कर आने लगते हैं और पेल पड़ जाती है स्किन, और इसमें आपको जो है मेडिकल कंडीशन में अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, तो डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। अगेन सोल्यूशन की बात करें तो एक तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, तो उसके लिए अगेन जो मैंने आपको लिक्विड्स बताए वो आप ले सकते हैं, एंड उसके अलावा आपको जो है लूज कपड़े पहने चाहिए, कूल कपड़े पहने चाहिए, और आप वेट कपड़ों को भी पहन सकते हो, उससे ताकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, तो उससे बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं हीट वेव में, और हम क्या क्या अवॉइड करना चाहिए हीट वेव में। तो अगेन आपको हाइड्रेटेड रहना है, आपको लगातार खाना है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा खाते रहिए, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए, जिससे कि आप फुल रहें और आपको जो हाइड्रेशन है, न्यूट्रिशन है, वो मिलता रहे। इसके अलावा अगेन आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में नहीं जाना, तो आप ऐसा भी ना करें कि आप एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री पे रखें और बाहर 45 डिग्री हो, तो आपको उससे अगेन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको लाइट वेट कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, और लाइट कलर पहनना चाहिए, क्योंकि लाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो हम जैसे ज्योग्राफी में कंसेप्ट पढ़ते हैं एल्बिडो का, कि स्नो कवर रिफ्लेक्ट कर देता है सनलाइट को, और ब्लैक कलर जो होता है वो बेसिकली एब्जॉर्ब करता है, अगेन साइंस की प्रॉपर्टी है, तो ब्लैक कलर आपको नहीं पहनना चाहिए, और व्हाइट कलर जैसे जो रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, जो रिफ्लेक्ट करता है हीट को, उसको पहनना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की आउटडोर एक्टिविटी या गेम में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको आउटडोर वर्क नहीं करना चाहिए। तो अगेन आपको क्या क्या नहीं करना, तो अगेन बच्चों को भी बाहर नहीं छोड़ना, पेट्स वगैरह को बाहर नहीं छोड़ना, किसी भी तरह का अल्कोहल या कैफीन जो है उसको नहीं लेना चाहिए, और एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और अगर आप करें तो या तो अर्ली मॉर्निंग करें, जब टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली अच्छा होता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग ना आए आपको दिन में, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, और ट्रैवलिंग को भी आप अवॉइड करिए। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड अगर आप लोग चाहें तो आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 75% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हैं, और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ENI7, जिससे आप घर बैठे बैठे घर के कम्फर्ट में ही UPSC की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे, सिर्फ 2 साल के लिए आपको 43,200 रुपीज़ देने होंगे।